आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी? ये दी थी हुंड और मुलिकन ने। अब क्यों दी? जब एमओटी नहीं थी तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाता था, और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक करेक्टर बीवीटी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता था। तो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हुंड और मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कभी कभी यही क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में होता है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, जबकि एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जब सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के प्रभाव में होगा। जैसे यह न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, और इसमें भी। लेकिन जैसे ही वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो दो न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में है। इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मैनी न्यूक्लियस, सो इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। तो ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होती हैं, जबकि सारी एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होती हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से होगा, जबकि पॉलीसेंट्रिक में एक इलेक्ट्रॉन कई सारे न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाइंड होगा। रूल नंबर 5, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नंबर हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल की नंबर के इक्वल होती है। जैसे दो एस ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी उनकी नंबर भी 2 होगी, ठीक है। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, उसमें से एक को हम बॉन्डिंग और दूसरे को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हमेशा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 7th रूल कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। अब बच्चा हमसे पूछेगा कि उसकी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं उसकी ज़्यादा क्यों होती। आप देख सकते हैं इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम होगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस जब आपस में रिपेल करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हमेशा हायर होती है। हम चलते हैं 8th रूल की तरफ। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सारे ही रूल्स लगेंगे, मतलब ऑफो का रूल भी लगेगा, पाउली का रूल भी लगेगा और हुंड का रूल भी लगेगा। ऑफो कहेगा लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, पाउली कहेगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना, और एक ऑर्बिटल में 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और हुंड कहेगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक एक एनर्जी लेवल के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के काम आती है, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो साई है, साई से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एटम का
एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के एटम से जब ओवरलैपिंग करती है तो साई स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये साई स्क्वायर ए साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए और साई बी हो जाएगा। जबकि जब हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं तो दोनों ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो आप देखेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अमाउंट से बढ़ जाती है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से या बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कितनी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से 2 साई ए साई बी अमाउंट से ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के रूल्स, ठीक है ना। ओवरलैपिंग का रूल्स ये है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में सारे ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बैलेंसी बैंड थ्योरी में केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p है तो BBT में केवल 2s और 2p ही पार्टिसिपेट करेगा, 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि MOT में 1s, 2s, 2p सारे करेंगे। सेकेंड रूल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। नॉर्मल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 2s और 1s में ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल नहीं है। जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का 2s और 1s आपस में ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। थर्ड रूल, ऑर्बिटल की एक्सिस सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर का मतलब है px px के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है, yy के साथ कर सकता है और z के साथ कर सकता है। लेकिन अगर हम px और py की ओवरलैपिंग कराएंगे तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ रूल, ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, ठीक है। और फिफ्थ रूल, जब हम इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ऑफ पाउली और हुंड सारे ही रूल्स को हम इसमें अप्लाइड करें। अब हम डायग्राम देखते हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती कैसे। तो आप देख सकते हैं जब एस और एस ने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है ना, अब ये बॉन्डिंग बनाएगी या एंटी बॉन्डिंग बनाएगी ये कैसे पता लगे। तो इसको पता लगाने के दो तरीके हैं, दोनों के प्लस प्लस या दोनों के माइनस माइनस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमको बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगी। और जब एक का प्लस और एक का माइनस रिएक्ट करेगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पर प्लस माइनस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता नहीं लगता। यहाँ से प्लस माइनस का मतलब है ये डिस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी, जबकि प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी। तो हमने देखा यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी, ठीक है ना। तो हम इसको, ये यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है तो हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो हम इसको, तो आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिव फेज में मिल रही हैं जो हमको प्लस साइन से पता लग रहा है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी जिसमें न्यूक्लियस के, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी एस एस, इसलिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगी। और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, इसी को हम नोड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एस की बॉन्डिंग में नोड कभी नहीं होता जबकि बाकी सभी में नोड प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो एस के एंटी बॉन्डिंग में कितने नोड होंगे, एक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमने देखा यहाँ पर ये पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, पी जेड दोनों के एक्सिस सेम है इसलिए दोनों में मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगी। हमने देखा ये प्लस साइन है, प्लस साइन बताता है कंस्ट्रक्टिव फेज से है, या हम देख सकते हैं हमने इसमें यहाँ भी प्लस लगा रखा है तो दोनों से ही हमको पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेगी तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगी। तो ये प्लस और प्लस आपस में आप देख सकते हैं मिलकर फ्यूज हो गई और इसने सिग्मा 2pz या pz ऑर्बिटल बॉन्डिंग बना लिए। अब हम चलेंगे
इसकी नेक्स्ट की तरफ तो देखते हैं एंड तो हम देख सकते हैं पी जेड ने जब बॉन्डिंग बनाई तो आप देख सकते हैं पी जेड में कितनी नोड हैं, तो पी जेड में दो नोड प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं इसी के एंटीबॉन्डिंग में, जब पी जेड और पी जेड आपस में रिएक्ट करके एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगी, और क्यों बनाएगी, क्योंकि एक का पॉजिटिव साइन और दूसरे का नेगेटिव वेव फंक्शन आपस में रिएक्ट कर रहा है जो डिस्ट्रक्टिव फेज में है, इसलिए ऑर्बिटल टूट जाएगी, और टूटकर आप देख सकते हैं इसमें चार ऑर्बिटल बन गई, ठीक है ना। अब इस 2pz में आप देख सकते हैं नोड कितने होंगे, इसमें एक नोड, दो नोड और तीन नोड प्रेजेंट होंगे, तो pz में सिग्मा 2pz एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में तीन नोड प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं xx या yy, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव साइन है और ये दोनों के नेगेटिव साइन है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी, और कंस्ट्रक्टिव फेज में मिलने से पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में फ्यूज हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ फ्यूज होके ये हमको बनाएगी पी एक्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और आप देख सकते हैं इसमें ये इसका नोडल प्लेन है, तो पी एक्स या पी वाई में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है। अब हम इसी की एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल देख, तो हमने देखा अब इसका पॉजिटिव वेव फंक्शन इसके नेगेटिव वेव फंक्शन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये डिस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी, और डिस्ट्रक्टिव फेज में मिलेंगी तो ब्रेक हो जाएंगी, और ब्रेक होने से आप देख सकते हैं ये 2px और पी बाई बन जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसमें दो नोड प्रेजेंट होंगे, एक इस प्लेन में और इस प्लेन में, जबकि इसमें सिर्फ एक नोड ही प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर बच्चों क्या सीखा, एंटी बॉन्डिंग में नोड बॉन्डिंग से ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, SS जब बॉन्डिंग बनाती है तो नोड नहीं होते, इसके अलावा सारी ही ऑर्बिटल्स में नोड होते हैं, चाहे px px के साथ जुड़े या py py के साथ जुड़े, हमेशा हमें नोड मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा नोड pz के मिलने से बनते हैं। अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर 2 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी उसको हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे एनर्जी, तो आप देख सकते हैं एनर्जी ऑर्डर, और पहला एनर्जी ऑर्डर है कि अगर एटॉमिक नंबर 7 और 7 से लेस है तो, ठीक है ना। तो जब 1s और 1s आपस में रिएक्ट करेंगी तो दो ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें हम एक को कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरी को कहेंगे एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल के ऊपर हम स्टार का साइन लगा देते हैं। फिर से SS रिएक्ट करेगी तो एक बनेगी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और दूसरी बन जाएगी सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब x y और z, तो तीन और तीन जब रिएक्ट करेंगी तो टोटल 6 ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पहले बनेगी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम होगी, ठीक है ना। और फिर ये हमारी तीनों ही एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz स्टार की होती है, मतलब सिग्मा 2pz स्टार एंटीबॉन्डिंग की एनर्जी हायर है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट बच्चों ये वाला पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए, आप देखेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे, ठीक है ना। तो अब हम एटॉमिक नंबर 7 के लिए पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर 7 के लिए इतना एनर्जी का ऑर्डर सेम होता है, सिग्मा 1s की सबसे कम, उससे थोड़ी ज्यादा सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार की। अब आप देख सकते हैं
कि सिग्मा 2PZ ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के बाद वालों में पहले आ गया है और जबकि ये बाद में आ गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर 7 तक एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है और एटॉमिक नंबर 7 के बाद में इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, और ये इसमें भी सेम है। तो अब अपना क्वेश्चन बच्चों कितने पार्ट पे आएगा, अपना क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट पर आने के चांस हैं ज्यादा, ठीक है ना। हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास दो डायग्राम हैं जिसमें से ये डायग्राम एटॉमिक नंबर 7 और 7 से कम वालों के लिए है, जबकि ये वाला डायग्राम एटॉमिक नंबर 7 और 7 से एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा के लिए है। तो देख सकते हैं आप 1s और 1s ने जब आपस में ओवरलैपिंग करी दो ऑर्बिटल बनाई, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटीबॉन्डिंग। फिर 2s और 2s ने बॉन्डिंग करी, सिग्मा 2s ने बॉन्डिंग करी, तो फिर से यहां पर क्या होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार बन जाएगा। अब यहां पर डिफरेंस आएगा, जब 3p से रिएक्ट करेंगी तो एटॉमिक नंबर क्योंकि 7 से कम है इसलिए आप देख सकते हैं 2π2px और π2py नीचे आ जाएगा और सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और एंटीबॉन्डिंग में पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी 2pz की होती है। अब हम एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा वाले में चलेंगे, तो आप देख सकते हैं 1s ने फिर से रिएक्ट करी, दो ऑर्बिटल बनाई, ऐसे ही इसने भी दो ऑर्बिटल बनाई। अब यहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है ना। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि ये नीचे आ गया है, सिग्मा 2pz तो नीचे आ गया है और 2px ऊपर चला गया है। तो आपको ये पार्ट याद रखना ही चाहिए कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका और इसका। तो इसकी एनर्जी का ऑर्डर हमको आना ही चाहिए कि ऑक्सीजन में सिग्मा 2pz नीचे होता है और नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz ऊपर होता है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिग्मा 2pz नीचे क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में पेयरिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz और इस ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होता है इसलिए सिग्मा 2pz नीचे चला जाता है, या पेयरिंग की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखेंगे। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p3 में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों 7 हो गए, जो एटॉमिक नंबर के बराबर है, और दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 14। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा लेकिन फिर दूसरा भी यहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हुंड का रूल लग जाएगा कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। फिर थर्ड यहाँ जाएगा, फिर हुंड का रूल लगेगा, फोर्थ पेयरिंग कर लेगा। फिर फिफ्थ यहाँ जाएगा, फिर सिक्स्थ हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग कर लेगा। फिर सेवेंथ यहाँ जाएगा और एट्थ हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग कर लेगा। फिर नाइन्थ इसमें जाएगा और टेंथ 2py में जाएगा। फिर इलेवेंथ, ठीक है ना, इलेवेंथ पेयरिंग कर लेगा और ट्वेल्थ भी पेयरिंग कर लेगा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक ये फिलिंग नहीं होंगी पेयरिंग नहीं होंगी। फिर थर्टीन्थ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और फोर्टीन्थ इलेक्ट्रॉन इधर फिलअप हो जाएगा। हमने फोर्टीन्थ इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, तो अब बच्चों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4 और 6, तो कितने हो गए, 10। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हुए, 2 और 2, 4, ठीक है ना। तो हमारे पास 10 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग है। अब हम इनको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया।
अब मैं चलता हूं ऑक्सीजन की फिलिंग की तरफ, ठीक है ना। ऑक्सीजन में टोटल 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ जाएंगे और फिर अगले दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में आ जाएंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग। फिर से हमारे दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में चले जाएंगे और फिर से टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में जाएंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है और 8 बचे हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है, तो आप देख सकते हैं फिर से ये 9th और 10th इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड के अकॉर्डिंग यही हो जाएगी। फिर 10th हो गई, ये 11th और 12th, फिर 13th और 14th, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल पूरी भर गई। अब बचे दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, क्योंकि हुंड कहता है तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं है जब तक एक एनर्जी लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन्स में, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो हम देख सकते हैं इसके पास येलो वाले तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 4 और 6, 10, और ग्रीन वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिनकी नंबर 6 है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन 10 बॉन्डिंग में से 6 एंटी बॉन्डिंग को माइनस करेंगे तो हमें 4 बचेगा, और 2 से डिवाइड करने पर हमें ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन इन्हीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन्हीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाता है, पर यह बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और इस प्रोसेस से बॉन्ड ऑर्डर निकालना टफ काम है। तो मैं आपको सिखाता हूं इजी मेथड जो झट से बॉन्ड ऑर्डर तो आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आसान मेथड। किसी में भी अगर 14 इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर वो बॉन्ड ऑर्डर 3 दिखाता है। अब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर को कम करना शुरू करते हैं। 15 पे 0.5 कर दिया 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 0.5 और 20 पे 0। बिल्कुल सिमिलर हम ऐसा ही इधर भी करेंगे, तो 3 से कम 2.5, 12 पे 2 हो जाएगा, फिर 0.5 कम किया 1.5, फिर कम किया 1 और फिर कम किया 0.5 और 8 पर 0 आ जाएगा। ये 2p के इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद आप देखें कैसे काम होगा, 0 के बाद 0.5 हुआ, 0.5 के बाद 1 हुआ, अब 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब 8 तक बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 1 से हायर नहीं होगा। तो 6 पे 1, फिर से कम करना शुरू किया 0.50, फिर बढ़ना शुरू हुआ 0.51, फिर डिक्रीज होना हुआ। तो ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे कि मैक्सिमम 14 पर होता है कितना, 3, 14 पे कितना 3, फिर दोनों तरफ आप देख सकते हैं काम होता जा रहा है, और यहां पर 1 से ज्यादा नहीं होगा 8 तक। अब हम इसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीका, झट से बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। एक क्वेश्चन डेफिनेट हर क्लास हर पेपर में आता ही आता है। तो हम शुरू करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने देखा CN- माइनस में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। कैसे 14 होंगे, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 13 और नेगेटिव चार्ज का एक ऐड कर दिया तो फिर हो जाएंगे 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। मैं आपको यहीं पर एक चीज और भी आपको बताता हूँ, और वो क्या है कि इनमें से जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाएंगे। तो 1 वाला पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगा, 13 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, ठीक है ना, 11 वाला, 13 वाला, 15 वाला और 17 वाला और 19 वाला। तो ये सारे ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाएंगे, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन भी हैं, और वो एक्सेप्शन कौन सा है, ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन वाला। 16 और 10 इलेक्ट्रॉन वाले दो इवन नंबर हैं जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाते, ठीक है ना। तो हम चलते हैं पैरामैग्नेटिक करेक्टर को देखने के लिए।
तो हमने देखा साइनाइड में कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 माइनस का 1 14 हो गए, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और डायमैग्नेटिक होगा। अब हम आ गए कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 और 8 14 हो गए, 14 पे फिर से बॉन्ड ऑर्डर 3 डायमैग्नेटिक। अब हम आ गए NO प्लस पर 7 और 8 15 होते हैं और प्लस का एक माइनस कर दिया, 14 पे फिर से बॉन्ड ऑर्डर 3। अब हम आ गए O2 पर, O2 में 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें इवन नंबर वाला पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगा। O2 माइनस में 16 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज और 17 पर 1.5 और 17 एक ऑड नंबर है या बॉन्ड ऑर्डर भी फ्रैक्शन में हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 8 और 8 16 और प्लस का एक माइनस किया तो 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस 2 पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 18 इलेक्ट्रॉन एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। H2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और डायमैग्नेटिक क्योंकि इवन नंबर है। H2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे जो एक ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक होगा और 3 पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये 1 एक ऑड नंबर है। HE2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा जो ये रिप्रेजेंट करता है कि HE2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। HE2 प्लस में 4 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए जो एक ऑड नंबर है, इसलिए पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अब आया HE2 प्लस 2 में 4 थे, 2 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है इसलिए डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर 1। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 14 और 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 डायमैग्नेटिक। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे क्योंकि 14 में से प्लस का एक माइनस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरामैग्नेटिक। जब हम नाइट्रोजन माइनस 2 बनाएंगे तो 14 और 1 मिलकर 15 हो जाएंगे जो एक ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और 6 12 एक इवन नंबर है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 और 5 10 इसलिए ये भी ये एक एक्सेप्शनल केस है पैरामैग्नेटिक का, ठीक है ना। अब इन दोनों के लिए खास बात, ये दो अकेले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें पहला ही बॉन्ड, ठीक है ना, C2 और B2 दोनों ही एक्सेप्शनल केस है और इनमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड ही होता है, जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। T2 का मतलब है ट्रिटियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप से, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक होगा। अब हम CO का ऑलरेडी केस डिस्कस कर चुके हैं, 6 और 8 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और D। अब ये इसके लिए हमें एक्सेप्शनल डायग्राम बनाना पड़ता है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एनर्जी के लेवल के डायग्राम है। तो जब हम CO प्लस बनाने हैं तो अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट के 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जाता है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जब हम CO प्लस 2 बनाएंगे तो इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करके कितना हो जाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 4। ये दोनों ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो बच्चों आप इन दोनों को याद कर लें, ठीक है ना, जिससे आपके मार्क्स पूरे आए और आप कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन डेफिनेट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं कुछ देखने के, तो आप देख सकते हैं मैंने करेक्ट कर दिया है, CO प्लस 2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बॉन्ड ऑर्डर होगा जो एक एक्सेप्शनल केस है। अब हम चलते हैं C2 और B2 देखने के लिए कि C2 और B2 में सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं होता है। तो हमें जाना पड़ेगा डायग्राम की तरफ।
हम चलते हैं डायग्राम की तरफ और फिलिंग देखते हैं, क्योंकि B2 और C2 में एटॉमिक नंबर 7 से कम है इसलिए वो इसको फॉलो करेगा। तो फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो बच्चों यही आ जाएंगे, 2, 4 ये तो कॉमन है। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है B2 में और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेंगे तो B2 में आप देख सकते हैं PX और PY पाई बॉन्ड बनाते हैं, और C2 में ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी, फिर भी पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से C2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा और B2 पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन C2 और B2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और अभी ये नीट के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो बच्चों इसको ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे आपको मैं और अच्छे अच्छे वीडियो या फंडामेंटल कंसेप्ट आपको डिलीवर कर सकूं।